शहर से लेकर गांव तक चला बाबा का बुलडोजर। देवबंद और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मकान किए गए धराशायी। भू माफियाओं द्वारा किए गए तालाबों की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। भारी पुलिस बल के साथ चला अभियान। देवबंद के गांव खटोली में तालाब की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। देवबंद में भी चला भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर। देवबंद में भू माफियाओं के कब्जे से अब तक खाली कराई जा चुकी है 13,438 बीघा जमीन। रिपोर्ट अंकित जैन। देखिए जो है ये इधर राजस्व विभाग का जो एक मुख्य काम रहा है जब से सरकार बनी है और आदेश हुए शासन के कि भाई किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना है, किसानों के लिए चक्रोड़ों को छुड़वाना है और तालाबों से अतिक्रमण हटाना है ताकि अब बरसात में जो है तालाब भर जाते हैं और अतिक्रमण हो रहता है तो गाँव पानी में भर जाते हैं। इसलिए जो है इन अभियानों को चलाने के लिए हम लोगों ने अपनी तहसील में अपने लेखपालों के माध्यम से पहले ज़मीनें चिन्हित कराई हैं कि भाई किन किन पे कब्जा है चक्रोड़ों पे तालाब पे, और उसके चिन्हित करा के हम लोग प्रोग्राम बनाकर इसको काम करा रहे हैं। हम लोग एक सप्ताह कार्यक्रम करा के जारी करते हैं, उसमें कानगो लेखपाल और हम लोग तहसीलदार साहब, पुलिस भी जाती है और टीम बनाकर वहाँ कार्य हम लोग अतिक्रमण हटवाते हैं। तो इसी तरह खटोली ग्राम में जो है तालाब पर अतिक्रमण था तो वहाँ, और इसके अलावा एक मरघट की ज़मीन पर भी अतिक्रमण था, वो सब उसी के तहत हटवाया गया है। और इसके अलावा हम लोगों का ये भी है कि सड़क पर अतिक्रमण है वो भी हटाया जाना है। सड़कों पर जो व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता तो उनको समझाया जाता है कि भाई अपनी दुकान के अंदर रखो सामान, और इसमें किसी के साथ भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है और सभी लोग अपना सहयोग भी इसमें अतिक्रमण हटाने में हमारा कर रहे हैं। ऐसा हमें कहीं देखने में नहीं आ रहा है कि कोई रिजिड हो रहे हों, और क्योंकि हम लोग पहले ही उन्हें सूचित करते हैं कि भाई हम लोग कल हटाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं हटाया, तो पूर्व से ही वो लोग हटा लेते हैं। जहां थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है वहां हम लोग नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम के साथ अतिक्रमण हटवाते हैं। हाँ, इसमें नगर पालिका द्वारा जो है जो लोग बार बार कहने से अपना नहीं हटा रहे हैं, ठिया लगा लिया, सड़क पर लगा लिया, रेत सीमेंट इत्यादि जो है सड़क पे डाल के बेच रहे हैं, तो उन लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि भाई हटा लो। सीमेंट इत्यादि जो खुले में पड़ा रहता है उससे प्रदूषण भी होता है, आम आदमी सड़क पर चलता रहता है उसकी आंखों में जाता है, तो उन लोगों से कहा जाता है कि भाई इसको हटा लीजिए, एक अपना कैंपस बनाइए, वहाँ अपना व्यापार करिए। लेकिन कुछ लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं सुनते हैं तो उनका चालान किया जाता है, उसके बाद इनका रेत बजरी जो हटवा कर इसके गाड़ी में डलवा कर नगर पालिका की उनको ले जाया जाएगा। और हम लोग ये अभियान लगातार चला कर रखेंगे, दोनों तालाब और चक्रोड़ से अतिक्रमण हटाने का भी, और ये जो सड़क सुरक्षा वाला है ये भी हम लोग जारी रखेंगे। हमारी अंदर की सड़क है, भाईला रोड है, मेन सिटीज़ हैं, हम लोग उसको भी पूरी तरह साफ कराएंगे। हम लोग अनाउंस लगातार करा रहे हैं, व्यापारियों से बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोगों का अभी तक जो है 13,000 वर्ग मीटर से हम लोगों ने कब्जा हटा दिया। इसमें तालाब भी है, चक्रोड़ भी है, शमशान भी है, सब अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं जिस पे लोगों ने या तो खेती कर रखी थी या फिर कुछ निर्माण थोड़ा कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने किसी ऐसे निर्माण को नहीं हटाया है जो किसी गरीब व्यक्ति का हो, और उसे गरीब व्यक्ति का अगर होगा तो उसे हम तभी हटाएंगे जबकि हम लोग उसको कहीं शिफ्ट कर दें। ऐसा हमें कहीं नहीं लगा किसी गरीब ने झोपड़ी बना रखा हो उसको हमने हटाया हो, क्योंकि शासन के निर्देश हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए।